नमस्कार, रागिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से जुड़े हुए बहुत ही सच्चे साधक पंडित मधुप मुदगल जी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा कोई परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत से ही बहुत सारी बातें निकलती जाएंगी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, जैसा मैंने कहा कि हम लोग का परम सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा हम लोग तकनीक के सहारे जुड़ रहे हैं, आमने सामने बैठ के बातचीत करते तो और ज्यादा मजा आता। और जाहिर सी बात है, जब आप जैसे कलाकार से बातचीत का मौका मिलता है तो लगता है कि एक एक पूरे अध्याय को समझ लिया जाए। मैं आपके इंटरव्यू में बचपन में जाने की बजाय या बचपन के किसी किस्से को सुनने की बजाय ये समझना चाहूंगा कि आपका बचपन एक मायने में बहुत खास रहा होगा। देश के बड़े बड़े कलाकारों का आपके घर आना जाना रहा होगा निश्चित तौर पर, और वो जो एक तालीम बगैर कहे बगैर सुने देखकर मिलती है वो आपको मिली होगी उन बड़े कलाकारों से। उसको कैसे देखते हैं और कैसे याद करते हैं? देखिए, हमारे संगीत पे या किसी भी कला जगत में संस्कारों का बहुत महत्व है। तो जो ये संस्कार मुझे बचपन से मिले हैं, इसका मुझे मतलब बहुत इसको फायदा लाभ क्या बोलेंगे, तो पर शब्द तो छोटे ही पड़ते हैं। मुझे मतलब बहुत उस पर मेरे पे असर हुआ, और जिसको संस्कार मिलते हैं उसके लिए आगे जाने में आसानी होती है। जिसके घर में जैसे अगर संगीत ना हो और उसको जब संगीत सीखना पड़ता है तो उसको एक दो पीढ़ी आके फिर वो रंग आता है। मुझे ये किस्मत है, मेरी सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में पैदा हुआ, ऐसा वातावरण मिला मुझे, उसका मुझे बहुत बहुत ही लाभ है। चाहेंगे अगर कुछ कलाकारों को आप बताएं याद करके कि बचपन में कौन से कलाकार थे जो घर आते थे, तो और ज्यादा समझने में आसानी होगी हमें। देश के दिग्गज कलाकार पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, पंडित नारायण राव व्यास जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, कुमार गंधर्व जी, प्रोफेसर बी आर देवधर, विद्वान लोग भी आते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, सितार के जो उस्ताद, ये सब लोगों का कार्यक्रम हमारे आंगन में होता था पंडाल लगा के। उन दिनों दिल्ली बिल्कुल ही डेजर्ट था, तो कल्चरल कार्य मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम होते ही नहीं थे कहीं। वो पिताजी ने वो शुरू किया था और वो हमारे प्रांगण में होता था। तो बचपन में ऐसे सुनते सुनते बड़े बड़े कलाकारों को मैं अम्मा की गोदी में सो जाता था, वो मुझे याद है और ये उनका असर है। और भी बड़े कलाकार आए। एक बार पंडित विनायक राव पटवर्धन जी का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही नीचे से जीने से गाते हुए आ रहा था कुछ मल्हार की ऐसी सरगम, मेरे उन्होंने बुलाया कि आवाज अच्छी है, गाना जरूर सीखना। मैंने कहा सिखाइए, पता नहीं था कैसे बोलना होता है ना, अभी भागो यहाँ से। एक ऐसी अंदाज में लोगों को बोला आवाज ठीक है तो गाना सीखना जरूर, ऐसे उन्होंने। ये सब उन दिनों का वातावरण है सर। और टेबल गेम जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, नहीं आप अपनी बात करें। अब अलग अलग प्रकार के जो ऑर्केस्ट्रा होता था, नाट्य बैले होते थे, उसका मुझ पे बड़ा असर पड़ा। बच्चन जी का मधुशाला, वो हमारे रिहर्सल वहीं प्रांगण में होती थी, अमिताभ जी भी आए थे उसमें, मुझे याद है। तो वो सब का कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह कैसे कंपोज होना, ये कंपोजिशन का भी मेरे पे बचपन में बहुत असर पड़ा पिताजी के थ्रू। ये एक उसका अलग लाभ मिला मुझे। पंडित जी, मुझे एक इंटरव्यू आपका जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, 20-22 बरस हो गए हालांकि एक कार्यक्रम में हमारे आपके आपकी उपस्थिति हुई थी, और मुझे याद है आपने बताया था कि आपने सीखना बहुत लेट शुरू किया, मतलब 16-17 साल की आपने उम्र में जिसको कहना चाहिए कि गंभीरता से उस तालीम की तरफ आप गए। इतने बड़े परिवार में संगीत के जन्म लेने के बाद ये फैसला लेने में थोड़ी देर हुई, क्या आपको लगता है? नहीं, आप ठीक कह सकते हैं कि ये थोड़ी देर हुई जरूर, पर ये नहीं था कि पहले नहीं सीख रहा था। तो जो विद्यालय में क्लास होती है वगैरह उसके तो मैं चलता ही था, मेरा पिताजी से भी अलग चलता था तालीम, बट ये
जरूर है कि मैं और चाहता था कि मतलब अभी ये चाहता हूँ कि पहले और शुरू किया होता तो और अच्छा था। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये नहीं था उस टाइम, कुछ नहीं चल रहा था, सब सीखना अलग ढंग से चल रहा था, बट जब सीरियसली मैंने सोचा वो 16-17 आप ठीक कह रहे। मैं के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा, जो खासतौर पर दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो गंधर्व महाविद्यालय है उसकी उसके संस्थापक मधुब जी के पिताजी पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम वो रहे, और यही वजह है कि पंडित जी जिक्र कर रहे हैं कि प्रांगण में बहुत सारे कार्यक्रम बचपन में देखने को मिलते थे और संगीत के जिन बड़े बड़े कलाकारों का उन्होंने नाम लिया उनका आना जाना था। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा पंडित जी आपसे कि मतलब ये सवाल बहुत से लोगों से मैंने पूछा है लेकिन आप जैसे वरिष्ठ कलाकार से पूछ के शायद कुछ नया हासिल हो। पिता और गुरु एक ही व्यक्ति में जब हो, मतलब जो शुरुआत में तालीम भी दे रहे हैं और जिनको पिता का भी अधिकार है, तो कहीं कोई पक्ष ऐसा होता है क्या कि जो थोड़ा कमजोर हो जाता हो या थोड़ा ओवर शैडो कर जाता हो, पिता कभी कम हो गए हो, गुरु ज्यादा हो गए हो, या गुरु कम हो गए हो पिता ज्यादा हो गए हो। हाँ, मैं पिताजी से जो शुरू में सीखा ज्यादा नहीं सीख पाया, उसका भी मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैं ज्यादा सीखता, फिर उसके बाद फिर ठगा जी से, वसंत ठगा जी से सीखना हुआ वो, पर वो उन्होंने मुझे ग्वालियर के जो अभ्यास का तरीका है वो शुरू से सीखा था मैंने, पलटे भैरव तोड़ी में राग में ये सब पहले सीखा था। हाँ, बट ये था जरूर कि क्योंकि घर में ही होता है तो थोड़े फ्री ज्यादा हो जाते हैं गुरु, और जो आपने बोला ना कि गुरु और वो थोड़ा फर्क वो तो होता ही है, इसलिए जब दूसरी जगह सीखने गया तब बिल्कुल वातावरण फर्क। अच्छा, संगीत तो एक कलाकार जिस परिवार से आप आते हैं वहां तो संगीत, जैसा आपने कहा भी कि माँ की गोद में सो जाते थे और संगीत चलता रहता था, तो वो तो आप अप्रत्यक्ष तौर पर सीख ही रहे थे, लेकिन संगीत के अलावा भी पंडित जी बहुत सारी चीजें बड़े कलाकार बड़े गुरु अपने आप सिखा जाते हैं, जो जीवन के बहुत बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं, जीवन की बहुत बड़ी सीख होती हैं। ऐसी कौन सी चीजें संगीत से इतर आप सीख पाए इस परिवार में, जो अब आपको लगता हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थाती है, वो और किसी के पास नहीं या उनके पास नहीं हो सकती जो किसी संगीत परिवार से ना आते हो? नहीं, ये तो खैर सब सबका ही हो सकता है, पर मुझे जो एक ऑनेस्टी सिंसेरिटी जो हार्ड वर्क ये पिताजी से मिला, माताजी से मिले, उनकी वैल्यूज मिली ऑनेस्टी की, ये बहुत, मैं बहुत इसको सौभाग्य मानता हूँ। और मेरे मौसा जी TN देव साहब, वो मुझे बचपन में, मैं उनके घर जाता था, मेरे भाई वहाँ रहता था, तो वो अलग संस्कार देते थे, विवेकानंद जी की किताबें नेशनल म्यूजियम ले जाना, हमें एक ये अलग संस्कार वहाँ से मिले, ये बचपन का संगीत से अलग जो ये भाग है वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाभ मिला उसका। आपको तो जसराज जी से सीखने का मौका भी मिला, और एक बार मुझे याद है जसराज जी दिल्ली में थे और मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, तो आपको लेकर बातचीत हो रही थी और बहुत स्नेह उनकी बातों से आपके लिए दिख रहा था, कैसे याद करते हैं उनको गुरु के तौर पर भी और एक एक कलाकार के तौर पर भी? दोनों ही रूप में मुझे बहुत बहुत श्रद्धा है, बहुत मेरे प्रिय थे वो, और उनका थोड़ा सा एक अलग भी था कि वे काफी मतलब करीब जैसे दोस्ती जैसी भी थी, मतलब दूरी होके भी दोस्ती थी, मजाक का हमें बहुत वो चलता था, उनको हंसाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मजाक जैसे कॉपी करता था मैं कई आर्टिस्टों की और उनको फिर दिखाता था, बहुत ही खुश होते थे और वो उनको हंसी देख के मुझे बहुत खुशी मिलती थी भाई कि हंसा पाया उनको, और उनसे एक बहुत चीजें सीखने को मिली कि स्टेज पे मैं उनके साथ बैठता था, अलग अलग संगत कलाकारों के साथ कैसे निभाना है स्टेज पे, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं कैसे वो उसको सॉल्व कर लेते थे उसी टाइम, ये बहुत सारी स्टेज की चीजें मुझे पंडित जी से सीखने को मिली, और उनका एक इतर लगा देते हिना का, वो मुझे उनका सूटकेस जो खोलते थे तो उसमें से ही आती थी खुशबू, और वो शौक मुझे भी है
मुझे आजकल भी खुशबुओं के शौक अभी भी है। हालांकि बाद के दिनों में जब वो कोई बहुत तेज परफ्यूम लगा के जाए या डिओड्रेंट लगा के जाए तो बहुत तेज झड़कते भी थे उनको, अजीब सी जो। जी आप कुछ कहना है? आपने जी वो पहले वो खुद लगाते थे और बाद में उनको सहन नहीं होता था कोई भी, जैसे तंबाकू की खुशबू, सिगरेट की तेज कोई खुशबू लगा के, तो उनको बाद में बिल्कुल नहीं पसंद, नाराज हो। मुझे भी नाराज हुए एक बार, ये क्या लगाया तुमने, ये देखा उनका ऐसा, पहले नहीं था, पहले वो खुद लगा देते थे। वो डांट दरअसल मुझे भी पड़ी है इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं पहुंचा और जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने कमरे में घुसते का क्या लगा के आ गए हो तुम, दूर बैठो। नहीं नहीं बिल्कुल, बाद में बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत उनको तकलीफ होती थी। अच्छा पंडित जी, एक और जिनकी भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ी पहचान है और जो जिनको गुरु के तौर पर आपका आप उनके साथ जुड़े और हम सब उनको जानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं और बहुत आदर करते हैं, पंडित कुमार गंधर्व जी का, उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि उनकी गायन की बहुत सारी छाप भी आप पर दिखाई देती है, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए, खास बातें जो आपको एक छाप की कहना बहुत छोटा है, मतलब पूरा ही, मतलब देखिए एक जो मैं एक सीख रहा था एक ढंग से, उसके बाद जैसे उनके पास गया, मतलब गया ऐसे नहीं गया, उनके संगीत सुन सुन के मुझे बहुत आकर्षण हुआ, फिर धीरे धीरे मौका मिला, 5 साल केवल तानपुरा बजाया उनके पीछे, फिर सीखने को मिला, तो जो वो सीखना है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आनंद मतलब वो कहीं नहीं है, वो आनंद जो सीखने को उनसे मिला। राग में पहले भी आते थे, रागों का मुझे पहले से सीखा हुआ था, पर जो राग दर्शन उन्होंने करा, जो राग का गहन और सूक्ष्म दर्शन उन्होंने कराया वो मुझे कहीं नहीं मिला, वो वही राग जो पहले भी सीखा हुआ है, वही राग उसी राग में इतना ज्यादा आनंद छिपा हुआ है, इतना ज्यादा उसके, इतना ज्यादा कुछ उसमें खुशी थी, वो क्या क्या मैं बता नहीं सकता उसको समझाना, बट राग रूप का ऐसा दर्शन और कहीं मुझे दिखा नहीं, तो केवल संगीत में ही नहीं, वो तो जीवन कैसे पूरा बिताना है ये भी मुझे सब बहुत सब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, और रोज ही तकरीबन किसी ना किसी रूप में वो याद आते हैं, जब प्रैक्टिस होती है या वो तो कुछ तो होता ही है, विचारों में भी कुछ उनकी जो सीख होती है वो सब रोज याद आती है, क्योंकि जो बहुत महान व्यक्ति होता है वो फिजिकली चाहे चले भी जाए पर वो विचारों के साथ आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहता है, और आज 12 जनवरी में जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है आज उनकी पुण्यतिथि भी। वो तो कहते भी थे कि राग को 360 डिग्री से देखना चाहिए, राग को चारों तरफ से देखिए तो राग एकदम नया दिखाई देता है, बल्कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि उन्होंने कहा किसी को हाथी की पूंछ दिखाई देती है, किसी को हाथी की सूंड दिखाई देती है, मैं हाथी को चारों तरफ से देखता हूं, तो संभवतः उसी तालीम का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल जी, प्रोफाइल कह देते हैं, कई बार प्रोफाइल से भी देख सकते हैं अलग अलग ढंग से राग, मतलब तुम एक ही नजर से क्यों देखते हो, और वो सब नजर आपको अलग अलग बंदिशों से मिलती है, इसीलिए राग में अलग अलग प्रकार की बंदिशें होती हैं, अगर ऐसा रूप नहीं दिखना था तो एक एक दो बंदिश से ही हो जाना था, इसलिए अलग अलग कलाकारों ने अपने क्यों इतने रचने करे, जितनी ज्यादा बंदिशें होंगी आपको उतना राग रूप आपका रिच होगा। एक चीज और जानना चाहेंगे पंडित जी, कि कुमार जी कहते थे मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता, जबकि अच्छा खासा घराने का संगीत सीख कर वो आए थे और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो खुद को किसी घराने में बांध कर नहीं रखेंगे, अब आप लोग उनके शिष्य थे, कभी उन्होंने आपसे ये कहा कि तुम लोग भी ये घराने के चक्कर में मत पड़ो और अच्छा संगीत जो शुद्ध संगीत है उसकी उसको साधो, ये घराने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को कभी इनकल्केट किया उन्होंने ये बात? देखिए वो खुद ग्वालियर के में सीखे हुए थे और बहुत अनेक विद्वानों से भी सीखे हुए, मैं खुद ग्वालियर का, पिताजी ग्वालियर के हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा, एक तो खैर ये बोला ही नहीं कि
घरानों में मत पढ़ो वगैरह ऐसे भी शब्द यूज ही नहीं किए, केवल सिखा देते, केवल सिखाना। अब जैसे ये जो घरानों की बात से मुझे याद है, जो गंडाबंद जो सेरेमनी होती है वो नहीं करते थे, कहते हमारी संस्कृति में नहीं है, गंडाबंद होते ही व्यापार शुरू हो जाए। गुरु ऐसा चाहिए जो सिख को सब कुछ दे, सिख मतलब शिष्य, सिख ऐसा चाहिए जो मतलब गुरु ऐसा चाहिए जो सिख को सब कुछ दे, सॉरी सिख ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु ऐसा चाहिए जो सिख से कुछ ना ले। ये कबीर जी का है, पर ये वो मानते थे, मतलब ये जो ट्रेडिशन जो घराना जैसे आप कह रहे हो उसको, इस रीत को वो भी नहीं मानते। बट ये नहीं है कि घराना जो वो राग रूप है वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं था। घराना मैं मानता हूं कि एक ढंग से चलना, एक ढंग से आपको सीखना शुरू में बहुत जरूरी है, उसके बाद जब आप दौड़ सकते हो तो आप हर दिशा में दौड़िए, हर चीज अलग अलग किसी और घराने की बंदिश है वो सीखिए, जो भी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गाने में अलग अलग वेराइटी आनी चाहिए। और वो भी जब कोई राग सिखाते थे जैसे शुद्ध कल्याण सिखाए तो उसमें पंडित ओंकारनाथ जी का जरूर सुना देते कि इनका सुने, जो उस राग को उन दिनों में सबसे अच्छा गाता था वो सुनवाते थे। वजे बुआ के लिए खंबावती सुनवाई, खुद बैठते भी थे कि सुनो उसकी खासियतें खासियतें क्या है, वो सब ऐसे समझाते। अच्छा पंडित जी, आपने अभी एक बहुत अच्छी चीज कही और मुझे लगता है इस पर आपसे जरूर मैं सवाल पूछूंगा। आपने कहा 5 साल उनके साथ तानपुरा बजाया है, अब 5 साल तानपुरा बजाना या ये कहना कि ये एक राग लो और इसको 6 महीने गाओ, अब आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसमें इतना संयम, इतना इतना इंतजार करने की क्षमता है, वो कर सकते हैं कि आप कहिए कि 5 साल चुपचाप पीछे बैठ के तानपुरा बजाओ और वो 5 साल चुपचाप आपको गाते देखे और तानपुरा बजाता रहे, अब कर पाएंगे लोग ऐसा? अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है इतना, क्योंकि उन दिनों में अब कैसे समझाऊं आपको कि एक समय होता था, वो ये इंटरनेट कुछ नहीं, ये फोन नहीं कुछ नहीं, चिट्ठियों का जमाना था, तो वो एक समय बहुत मिलता था। एक राग को सीखने में सीख लिया करके उससे नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी होता मनन करना, उसका अभ्यास करना। वो तो सिखा देते थे जैसे कुछ दिन सिखाए तो आप, बाकी हमें करना होता था, उस पर मेहनत करनी होती। तो ये राग रूप बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनको जो जैसे विलंबित खेले, 2-3 विलंबित आने, फिर कुछ झपटा लाना है, फिर जितनी बंदिशें जोत की आनी है, ऐसे कम से कम 15-20 इतने तो कम से कम होना चाहिए, जबकि पुराने जमाने ये 90-100 के ऊपर होगा। उस्ताद अलादिया खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको 3000 बंदिशें आती, जितने ज्यादा बंदिशें आएंगी राग रूप आपका और रिच होगा, आप उतने रिच आपका गाना होगा। ये जो है इसके लिए आजकल बच्चों में टाइम है कि नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी हमारे टाइम रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, जो भी कुछ सिखाया फट से दौड़ के लिखो कि भाई भूल ना जाए वो राग, जबकि जो सिखाते थे उसका 10% ही कमरे में आके याद रहता था, फिर उसको करना पड़ता था। और आजकल क्या रिकॉर्डिंग है, अभी कर लेते हैं रिकॉर्डिंग और वो रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी तो धरे का धरा रहेगा। तो अभी भी लिखना, मैं सबको बता दो मेरे विद्यार्थियों को कि आप लिख के ही रखो, वो ज्यादा अच्छा, लिखने में दोबारा मेमोरी होती, याद भी होती। मैं गंधर्व महाविद्यालय में जितने लोग को जानता हूँ सब लोग आपको भैया जी कहते हैं, तमाम बड़े बड़े कलाकार आपको भैया जी कहते हैं, ये नाम की कोई कहानी है या ऐसे स्नेह में सबने भैया जी कहना शुरू कर दिया? नहीं, मेरा नाम मतलब बचपन से पेट नेम भैया है, भैया बोलते मुझे, तो वही चला है। पिताजी को भाई जी कहते थे। हाँ, पिताजी का तो मुझे पता, भाभी जी कहते। हाँ, मेरा भैया तो भैया करके बस वही चल पड़ा, ऐसा कोई इसका कारण नहीं।
जब आपको आपने गंधर्व महाविद्यालय को संभालने की शुरुआत हुई आपकी, और उसको बल्कि महाविद्यालय को मुझे लगता है कि संगीत का एक मंदिर भी कहा जाना चाहिए, वो संगीत का मंदिर ही है दरअसल, क्या कोई अड़चन भी आई शुरुआती दिनों में उसको संभालने में, और किस तरह से जो एक एक एक, एक कलाकार के साथ साथ एक, एक जो एडमिनिस्ट्रेटर का पक्ष रहा होगा उस वक्त, वो कैसा था, उसको कैसे याद करते हैं आप? देखिए, पिताजी जैसे एक महान पर्सनालिटी के जाने के बाद किसी भी जगह आपने देखा होगा कई संस्थाएं चली जाती, ये सबका आशीर्वाद या कहें क्या कुछ, मैंने जो मैनेज हो गया मेरे से और वो अच्छा चल रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा इसलिए भी संभव है कि जो मेरे काउंसिल में जो लोग हैं मुझे फ्री हैंड देते हैं, मुझे कुछ बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे ऑफिस स्टाफ भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जो कुछ कुछ ऐसे आसानी से मुझसे हो जाती है, वो एबिलिटी की भी बात है, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता हूँ, ये कैपेबिलिटी है मेरे में। क्लास चल रही है, बीच में साइन कराने आया है लेटर, ये चेक साइन कर दिया चले गए, फिर क्लास चल पड़ी, ये मेरे में ये भगवान की देन है कि मैं ऐसे मैनेज कर रहा था। शुरू में थोड़ा लगा था कि बहुत मुश्किल होगी, पर उतनी हुई नहीं, कि जैसा पिताजी चलाते थे उन्हीं उसी ढंग से मैंने आगे चलाया और अभी आशीर्वाद से चल रहा है ठीक। और जब कभी ज्यादा छात्रों की संख्या की वजह से किसी बच्चे को मना करना पड़ता होगा निश्चित तौर पर कि माफ करें या हम खेद है नहीं सिखा पाएंगे, कष्ट होता है एक कलाकार के तौर पर आपको? बहुत कष्ट होता है जी, इसके मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं तो सामने गांधी पीस फाउंडेशन है, कईयों को मैंने बोला भाई यहाँ खोल लो, तुम्हें यहाँ जो रिजेक्ट होंगे वहाँ भेज दूंगा, मतलब ऐसे। ये आपको याद होगा एक साधना सीरियल आया था कुछ 20-30 साल पहले, बड़े बड़े आर्टिस्टों के इंटरव्यू हुए थे, तब तक ग्लैमर हमारे संगीत में नहीं था, वो ग्लैमराइज करके उनको दिखाया गया, हरी जी ने करवाए थे शो टीवी में, दूरदर्शन में आते थे भीमसेन जी के, पंडित जी के, तो वो जब से देखा तब से भीड़ ज्यादा आनी शुरू हुई संगीत में, जब स्टूडेंट्स करके, उसके बाद से तो अभी क्या एक क्लास के लिए 20 लगर लेने हैं तो 150 का इंटरव्यू करना पड़ता है, और जो रिजेक्ट होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, वो भी ठीक सीख सकते हैं, अगर कोई और जमाना होता शायद हम वो भी ले लेते हैं, पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती सच्ची। और कई जो मुझे नीचे ऐसे मिल जाते हैं जो कि भाई रिजेक्ट हो गए और वो मुझसे बोलते हैं कि प्लीज प्लीज, तो मैं बोल देता हूँ, और फिर मेरे से ऑफिस वाले सब नाराज होते हैं, आपने ऐसे बोला लेते उनको, हमने तो उनको रिजेक्ट किया था, वो लड़ रहे हैं हमसे पर मेरे से वो जो आप कह रहे हो ना, मन में बहुत तकलीफ होती है, मना नहीं होता मेरे से, ये इसलिए ऑडिशंस के टाइम मैं नीचे जाते ही देखता रहता हूँ, चेक करते रहता हूँ, फिर नीछे जाऊंगा जो रिजेक्ट हुआ वो फिर मुझे पूछ लेता है, पकड़ लेता है, इसलिए उन दिनों में नहीं जाता हूँ रिजल्ट्स के टाइम खासकर, ये बहुत दुख होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई संगीत सीखना चाह रहा है और उसको नहीं मिल रहा है संगीत सीखने को, ये सच में दुख की बात। पंडित जी, ये तो मतलब जो आपसे बात करके एक इस बात की खुशी हो रही है, या बल्कि कहना चाहिए इस बात की का संतोष हो रहा है कि अभी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए नई जनरेशन में भी अच्छा खासा एक समूह है, अच्छा खासा क्राउड है जो सीखना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल सही है, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पर हम एडवर्टाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस यही आदेश होता है कि भाई सिंसियरली क्लास लेना, कोई क्लास मिस नहीं करना, सबका ध्यान रखना, अगर ऐसे इतने सादे ढंग से आप ऑनेस्टली और सच्चाई से करेंगे तो अपने आप लोग आएंगे, आपको ढोंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसका कुछ आडंबर बनाने की जरूरत है, शुद्ध जैसे पिताजी सिखाते थे उसी ढंग से मैं कोशिश करता हूँ, तो अपने आप लोग आते हैं हमारे संगीत में। खैर इससे थोड़ी बात अलग है कि जैसे पेशेंट्स की बात थी ना जो आप स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, इसमें ऑनेस्टली सिंसियरली करिए, टाइम लगेगा पर फल मिलेगा, एकदम करके ऐसे नहीं होता है। मनसिंह उस्ताद जाकिर हुसैन जी को देख के सबको वो आता हुआ कि भी हमारा भी ऐसा हुआ, उसके पीछे की मेहनत देखिए, उसके पीछे का जो उनका
इंटेलिजेंस जो भगवान ने उनको वो आशीर्वाद दिया कि वो कैसे पिकअप करते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती संगीत में, कलाकार में बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती, तो सीखना तो है ही, पर साथ में वो एक कुछ वो एक्स फैक्टर होता है वो जो ऊपर वाला ही देता है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल। आपकी गायकी में जो अभी मैं पक्की गायकी शास्त्रीय रागों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये कबीर को आपने कबीर आए आपके गायन में, और वो आपके गुरु कुमार गंधर्व जी के बारे में भी हम सब जानते हैं, और बल्कि कई बड़े लोगों ने कहा कि कबीर पर तो जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी का अधिकार है उससे कम अधिकार कुमार जी का नहीं है। आप के जीवन में कबीर का आना कैसे हुआ, या आपकी गायकी में कबीर का आना कैसे हुआ? बचपन से घर में गाते थे, डिवोशनल म्यूजिक था, टीवी पर उस्कर जी गाते थे, पिताजी गाते थे, अम्मा परफॉर्म करती थी, वो भी भजन बहुत सुंदर गाती थी, तो डिवोशनल म्यूजिक का तो हमारे घर में पहले से ही वातावरण था। पर ये जो निर्गुण वाणी का, जो केवल निर्गुण नहीं सगुण भी, तो कुमार जी से जो दर्शन हुए कबीर जी के, जो एक स्वर लगाने का तरीका निर्गुण में जिससे शून्य का निर्माण होता है, ये सब ये अट्रैक्शन उनसे आया। एक बहुत ही छोटा था, विष्णु दिगंबर जयंती में उनका गाना चल रहा था, निक्कर में मतलब ऐसे खड़ा होता था, तो उन्होंने निर्गुण भजन शुरू किया, तो मुझे अभी तक याद है वो 15-16 मिनट में ऐसे ही खड़ा था, जैसे खत्म हुआ ऐसे दौड़ के चले गए, वो क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर एक इतने वो असर था उन स्वरों का जो मुझे अभी भी याद है, ये सब उसकी वजह से उसे अट्रैक्शन मतलब कबीर जी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। कुमार जी तो गाते ही थे, फिर एक जब म्यूजिक टुडे उनको कैसेट निकालना था, उन्होंने बोला कि भी दो ही कैसेट होनी चाहिए, दो कैसेट होनी चाहिए डबल, लेकिन मेरे तो सिर्फ 5-7 हैं कॉम्पोजिशन, कहीं मैं ऐसे गाता भी नहीं था, सिर्फ अपने अपने पास रहता था, नहीं नहीं इतना चाहिए, तो फिर वो अलग अलग भजन इतने कंपोज हुए मेरे, जो फिर वो सीडी निकली, और अभी भी फिर दोबारा से हुए मेरे कुछ दिनों पहले 13 नए भजन और बने, वो प्रोसेस है बीच बीच में सब होता है इस तरह से। कोई एक दोहा या कोई एक भजन की एक दो लाइनें जो आप हमारे लिए हमें सुनाना चाहें? एक जो नया हुआ है उसके आपको सुना दूंगा। जब मैं भूलार भाई नर सतगुरु जो सतगुरु जुग लखानी सतगुरु जुग लखानी जब भाई मेरे सतगुरु जुग लखानी सतगुरु जुग क्रिया करम आचार छोड़ा तीरथ सगरे दुनिया भैसया मरी कर
जब मन उदार वाले नर सतगुरु एक चीज और पंडित जी जानना चाहेंगे, और चूंकि ये कुमार जी के जीवन में भी बहुत प्रमुखता से ये सवाल था और आपसे भी इसकी वजह भी जानना चाहेंगे, कुमार जी ने जब भजनों को पिक किया, जब उन्होंने भजन गाना शुरू किया, तो उससे पहले वो लंबा समय शुद्ध शास्त्रीय संगीत गा के पूरे देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन जो कुमार जी की पहचान जनमानस में बनी, वो लोगों को लगा कि वो सिर्फ भजन ही गाते हैं, वो भजन ही उनके ज्यादा प्रचलित हो गए, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने लगे। आप जब खुद एक कलाकार के तौर पर पूरे लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत के साधक के बाद जब सिर्फ भजन गाते हैं या कहीं मंच पर गाते हैं, तो कभी ये जहन में रहता है कि मेरी पहचान कहीं एक भजन गायक की ना बन जाए? और क्या ऐसी कभी ऐसा कोई थॉट आया क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कई जब युवराग संगीत का कार्यक्रम होता है तो कई बार गा रहे होते हैं तो फिर बाद में वहां से फरमाइश आती है कि ये भजन गा दीजिए, ये भजन, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वो कभी तो गा दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं गाया। तो कई बार फिर ये लगता है कि उनको, आपने जो बोला ना कि केवल भजन ही गाता, ऐसा नहीं, बट बंदिश की ठुमरी वगैरह ऐसे भी गाता हूँ, ये नहीं। तो ये छाप पड़ने का डर होता है, उसको संभालना चाहिए कि जैसे सिर्फ फरमाइश करते जाओ आप गाते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बात भी कहनी। मैं जैसे जब राग का गाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कम हो भजन या ना हो उसमें, आपने ठीक कहा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कुमार जी का ऐसा नहीं था, वो तो राग का तो मैं क्या बोलूँ आपको, वो पॉपुलर ज्यादा नॉर्थ में ज्यादा हुए उसकी वजह से, भजनों की वजह से। पर ये थोड़ी था कि वो राग संगीत में कुछ वो था। बिल्कुल वही, मैं भी चूंकि सुनता रहा हूं उनको और दोनों पक्ष मैंने सुने हैं, इसीलिए ये सवाल जहन में आया। अब थोड़ी देर पहले आप रागों का जिक्र कर रहे थे कि फला राग फला कलाकार का सुनो, फला राग फला कलाकार का सुनो। आज इतनी लंबी साधना करने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद, आपको क्या लगता है आपके कौन से राग हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं, या आपको जब वो राग सुनना हो तो आप अपना सुनते हो? देखिए, मुश्किल एक राग को पिक करना, क्या जी कितना, मैं कह रहा हूँ हालांकि एक कलाकार के लिए एक दो रागों को चूज करना बहुत मुश्किल होता होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलग एक्चुअली फेवरेट वो हो जाते हैं जिसपे आप काम कर रहे होते, जिसका अभ्यास कर रहे होते, ये है। और जो फेवरेट नहीं होते वो एक्चुअली आते नहीं है, ये भी है। पसंद तो आते हैं, खुद अच्छे लगते होंगे, वो फेवरेट कह नहीं पाते क्योंकि वो ठीक से सीखा नहीं होगा। ये राग को जैसे जानने के लिए उसको बहुत समय लगता है, एक राग के साथ बहुत समय रहना पड़ता है, तब जाके वो आता है, आपके खून में आ जाए, आपके हर सांस में वो राग आए, वो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे तो उसका जो मनन, जो मैंने बोला था ना, जो एक राग सीखा है तो उसका एक तो स्केल ही गले में बिठाना मुश्किल होता है उस राग का। राग का जो स्केल आता है, पहले अलग अलग रागों के अलग अलग स्वरावली है, तो उसको गले में साधना होता है, उसमें ही बहुत टाइम लगता है। तो एक राग की जानकारी पूरे दिल से आ जाए, अच्छे मन से आ जाए, उसके लिए बहुत समय लगता है। तो कोई एक राग की कुछ छोटी सी चीज जो आप हमें सुनाना चाहें, जो आपका पसंदीदा हो? पसंदीदा मतलब है वो अहिर भैरव में आपको एक मध्य लेके संदीप सुना जी। Paranya
जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जैसा हम लोग इस इंटरव्यू में कई बार जिक्र कर चुके हैं गंधर्व महाविद्यालय का, जब बच्चे अपना एक तय पाठ्यक्रम पूरा करके जा रहे होते हैं और आपके पास आकर एक बार आखिरी तरीके से चरण स्पर्श करके और आपसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं, आप कुछ जरूर कहते होंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब वो कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो आप उन बच्चों को सिखाते हैं जो बच्चे एक तरीके से आपसे आशीर्वाद लेकर और इस उम्मीद से जाते हैं कि अब वो मंच पर बैठेंगे और वो गायकी के दिशा में अपना नाम करना शुरू करेंगे या जो सीखा है उसको दिखाना शुरू करेंगे, क्या हिदायतें देकर या क्या नसीहतें देकर आप उन्हें विदा करते हैं? वही कहता हूँ जी हमेशा कि वही सच्चाई से करना, मेहनत करना और ढोंग नहीं करना, नकलीपना नहीं दिखाना, क्योंकि राग संगीत इतना सूक्ष्म है वो आपको मारता है होगा अगर आप चीटिंग करो उसके साथ, अलग ढंग से पढ़ती है। ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ कि आप ऑनेस्टली करो तो जरूर रास्ता मिलेगा, जरूर आपका सफल होगी ये, पर ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए चीटिंग करो। आजकल का जमाना है कि पीआर करना पड़ता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, जमाने की मांग है। वो भी आजकल बोल देता हूँ, बड़े मन तो नहीं करता कहते हुए कि भी उनको कहता हूँ भी अपना तुम सीडी वीडी सब जगह भेजो वगैरह, ये पहले नहीं कहता था, पर आज जमाने की मांग ऐसी है कहना पड़ता है। पर उसके सबसे ऊपर यही कहता हूँ कि अच्छे तरह से मेहनत करना, जो प्रोग्राम में गाना है सोच के गाना है, सब प्लान करके गाना और सिंसियरली, बस यही बोलता हूँ, यही मैं सबको कहता हूँ। अपने जमाने की मांग का जिक्र किया और जमाने की मांग है, ढेर सारे लोग जुगलबंदियां करते हैं लेकिन आप जुगलबंदी नहीं करते। जुगलबंदी ऐसे नहीं, एक्चुअली बड़ा एकल हमारा विद्या है, एक का विचार, दूसरा जो भी आएगा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि या मैं अपनी बात कहते कहते रुक जाऊंगा या उसके लिए वेट करूंगा, इसलिए एकल विद्या है, इसलिए डुएट का ऐसे कभी मौका आया नहीं ऐसे डुएट गाया नहीं। जो भी संगीत के छात्र इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक लाइन जरूर याद रखें पंडित जी की, जो उन्होंने कही थोड़ी देर पहले कि इसके साथ किसी तरह का छल कपट मत करना वरना जो संगीत की मार होती है वो अलग तरीके से पड़ती है। पंडित जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब बस ईश्वर से यही कृपा कर, यही शुभकामना रहेगी और यही कृपा रहेगी गंधर्व महाविद्यालय से आपके
शिष्य के तौर पर नए नए कलाकार हमें मिले और जो सीख आपने उनको दी है संगीत के प्रति ईमानदारी की, संकल्प की, साधना की, वो उनके अंदर रहे। मैं आखिर में बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगा और वो चूंकि इतना सुना है और इतना कान में बसा हुआ है कि जोगी एक अकेला अगर आप दो लाइनें गुनगुना दें तो ये इंटरव्यू फिर बहुत ही अच्छे मोड़ पर खत्म होगा। कहे कबीर उनी बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। और वाकई हमारा परम सौभाग्य रहा कि हमको बातचीत का अवसर मिला, हमारा चरण स्पर्श स्वीकार करें और हमें भी आशीर्वाद दें कि हम लोग आपके जैसे कलाकारों से बातचीत का मौका हम लोग को मिलता रहे, कुछ हम लोग भी सीखें, भले संगीत के प्रत्यक्ष छात्र ना बन पाए, अप्रत्यक्ष छात्र बनकर भी कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपकी बातों से तो लग रहा है आपने बहुत सुना है। नहीं, जरूर। और आपके सबको मेरी ओर से नमस्कार। बहुत मजा आया बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।